जी कराची में दो रोज़ा अदबी मेला यानी अदब फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है। आज पहला दिन था, आज सुबह से ही जो है वो मुख्तलिफ सेशन रखे गए थे जिसमें मईशत के ऊपर बात की गई, अदब के ऊपर बात की गई, ड्रामों के ऊपर बात की गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अदाकारा नादिया जमील साहिबा। नादिया साहिबा बताइएगा, इस तरह के फेस्टिवल जो हैं शहरियों के लिए कितनी अहमियत रखते हैं? बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हम अदब की बात कर रहे हैं, लिहाज की बात कर रहे हैं, सिर्फ वो अदब नहीं जो हमारी तारीख में थी, वो अदब जो हम बना रहे हैं इकट्ठा मिलके। एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है अदब, एक ऑर्गेनिक चीज़ होता है कल्चर। तो सब मिल बैठ के मोहब्बत से, प्यार से, दिल से प्यार, दिमाग से क्रिएटिविटी, और यहाँ से जिगर और हिम्मत लेके हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो सीखते हैं एक दूसरे से। अदब तब्दील हो रहा है और हमें भी कुछ सीखना पड़ेगा। जो नए रवैये हैं, जो नई तरीक़े हैं, जो एक नया अदब सोशल मीडिया और एआई के ज़रिए बन रहा है, उससे हम बहुत दूर हैं क्योंकि हम कुदरत के लोग हैं, हम ज़मीन पर चलने वाले लोग हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि ये कल की दुनिया है, और आज की दुनिया और कल पिछले कल की दुनिया को आने वाले कल की दुनिया से मिलना पड़ेगा। तो कुछ वो हमसे मिलें और कुछ हम उनसे सीखें और उनसे मिलें। बहुत शुक्रिया नादिया जी। जैसा कि आपने नादिया की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है वो फैमिलीज़ भी आईं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। आज पहला दिन है, कल का दिन भी बाकी है, कल भी जो है मुख्तलिफ सेशन रखे गए हैं, मुख्तलिफ जो है पेंटिंग्स की नुमाइश होगी, और मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर मुख्तलिफ अदीब और मुख्तलिफ शोरा इकराम और मेहमान खसूसी जो हैं वो गुफ्तगू फरमाएंगे। जी।